अभी जब से डेवॉप्स आया है, ठीक है, आफ्टर डेवॉप्स केम इनटू पिक्चर क्या हो गया है, सारे स्टेप एक बार कोडिंग हो गई, ठीक है, उसके बाद ठीक है डेवॉप्स इंजीनियर क्या करेगा, वो कोड लेगा, ठीक है, उस कोड को डेवॉप्स इंजीनियर क्या करेगा, पुल करेगा, ठीक है, पुल कहाँ से करेगा, गिट से, आपको गिट से, हमने गिट से वो कोड करेगा पुल, ठीक है, पुल करने के बाद कहाँ से पुल करेगा, डेवॉप्स इंजीनियर, ये जो कोडिंग टीम है, ठीक है, आफ्टर राइटिंग कोड दे पुश टू गिट, ठीक है, डेवॉप्स इंजीनियर यानी कोडिंग टीम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ने कोड लिख दिया, ठीक है, पाइथन डेवलपर ने पाइथन का कोड लिखा, जावा डेवलपर ने जावा का कोड लिख दिया, ठीक है, हो गया। उसके बाद अपना काम क्या है, ठीक है, डेवॉप्स इंजीनियर, हमारा काम क्या है, वो कोड को करना है पुल, पुल करने के बाद उस कोड को करना है हमको बिल्ड, कोड बिल्ड क्या है, कन्वर्टिंग दैट कोड इंटू एग्जीक्यूटेबल फाइल, कोड बिल्ड करेंगे, ठीक है, कोड बिल्ड के लिए हम लोग टूल यूज करेंगे, ये देखो मेवन, ठीक है, जेंकिंस, ठीक है, डॉकर से भी हो सकता है कोड बिल्ड, ठीक है, तो हम करेंगे कोड बिल्ड, यानी वो जो कोड है उसको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में यानी एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, या फिर वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, या फिर माइक्रो सर्विस में कन्वर्ट करेंगे, जो सर्विस यूज की जा सके कस्टमर से, क्लाइंट से, ठीक है। कोड बिल्ड करने के बाद हम ही डेवॉप्स इंजीनियर हम क्या करेंगे, उसका टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए, ठीक है, जे यूनिट है, सेलेनियम है, यहां नहीं दिया है, हाँ दिया है, दिया है, दिया है, सेलेनियम दिया है, एसी मतलब सेलेनियम, ये टूल्स है जो टेस्ट करते हैं उस एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद रिलीज, रिलीज छोड़ दो, नॉट इंपॉर्टेंट, उसके बाद मॉनिटर, ठीक है, कोड बिल्ड, उसके बाद मॉनिटर, रिलीज मतलब जब कोड बिल्ड किया था वो मॉनिटर हो ही गया, ठीक है, सॉरी रिलीज हो ही गया, लेट्स डिप्लॉय, तो डिप्लॉय करने के लिए वापस से डॉकर, डिप्लॉय मतलब टू रन इट इन द रिक्वायर्ड एनवायरमेंट्स, AWS, AWS कोड पाइपलाइन, फिर डिप्लॉय हो गया, उसके बाद मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग के लिए शायद यूज करते हैं नेजियोस, नेजियोस पुराना टूल है, ठीक है, बट फिर भी यूज होता है, नेजियोस का इंस्टॉलेशन पूरा एक दिन जाता है, मतलब 2-2.5 घंटे ना नेजियोस एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए जाता है, थोड़ा उसका डिफिकल्ट इंस्टॉलेशन है, ठीक है, बट अपने को आउट ऑफ सिलेबस है, मैं आपको आज का लेक्चर इसलिए ले रहा हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है, नेजियोस और स्प्लंक, ठीक है, ये दो टूल्स है, थर्ड पार्टी टूल्स है, जैसे गिटहब कैसे थर्ड पार्टी टूल है, AWS का टूल नहीं है गिट एंड गिटहब, वैसे ही नेजियोस और स्प्लंक, ये सारे टूल्स, ठीक है, ये सारे टूल्स, ठीक है, क्या है ना ऑपरेट, ये ऑपरेट नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, IAC, ठीक है, मतलब IAC मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड यूज करके, यानी कोडिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, ठीक है, एक ये IAC कुछ टूल्स है, इसमें से ये जो Ansible और Kubernetes है ना, Ansible जो टूल है ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, ठीक है, तो IAC निकाल देंगे हम यहां से, आपको ज्यादा कंफ्यूज होगा, Ansible यूज किया जाता है, ठीक है, Ansible कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मतलब जैसे अपनी EC2 सर्वर है, ठीक है, हमने जो ये एप्लीकेशन डिप्लॉय की वो हमने EC2 सर्वर पे की, EC2 इंस्टेंस पे, अब वो EC2 इंस्टेंस का अगर हमको रैम चेंज करना है, उसका हार्ड डिस्क बढ़ाना है, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन अगर उसका मैनेजमेंट करना है, तो हम सिर्फ कमांड के थ्रू कर सकते हैं, और वो कमांड हम Ansible में रन करते हैं, ठीक है, ये जो अपना लिनक्स इंस्टेंस खोलते हैं वहां पे जैसे हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं, यम इंस्टॉल पाइथन, वैसे ही Ansible भी इंस्टॉल कर सकते हैं, Ansible के इंस्टॉलेशन के लिए यम इंस्टॉल कमांड यूज नहीं किया जाता है, Apple रिपोजिटरी यूज किया जाता है, Apple एक नाम का EPEL, ठीक है, नाम का एक रिपोजिटरी है जिसमें लिनक्स के फाइल्स स्टोर होते हैं, ठीक है, तो वहां से हम Ansible इंस्टॉल करते हैं उसमें, ठीक है, तो देखो उसके बाद है Kubernetes, Kubernetes से भी डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है, डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है, ठीक है, अभी Kubernetes क्या है, जैसे आपको कैसे समझाऊं मैं,
हाँ अभी ये डॉकर है, ठीक है। आपको एक रफ आइडिया देता हूँ, ठीक है। आई नो हाउ टू एक्सप्लेन। ओके जाने दो, अगर टाइम ले रहे हैं तो। देखो देखो आपको मशीन इमेज मैंने बताया, आपको पता है क्या है अमेज़न मशीन इमेज? है कि मैं कोई भी सर्वर लॉन्च करता हूँ, उसके अंदर हजारों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ, उस सर्वर की अगर मैंने एक इमेज बनाई तो वो इमेज एकदम छोटे साइज की रहेगी, ठीक है, लाइक 60-65 KB की रहेगी, 60-65 MB की इमेज रहेगी, MB की। और उसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स मैंने उस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल किए थे, ठीक है, वो सारे के सारे उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर्स के इमेजेस रहेगी, ठीक है। फिर वो क्या कर सकते हैं, वो जो इमेज है मैं मेरे क्लाइंट को दे सकता हूँ, आपको दे सकता हूँ, ठीक है, आप मेरे कॉलीग को आपको दे सकता हूँ, और आप वही इमेज लेके अगर नया EC2 इंस्टेंस बनाओगे तो आपको सारे के सारे वो सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये अमेजोन मशीन इमेज का कॉन्सेप्ट है। इन द सेम वे समझो कि मैं ना एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, एप्लीकेशन बनाई मैंने कि जो एप्लीकेशन जैसे ही आप अपन फोटो उसमें अपलोड करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है कि कौन सा फिल्टर लगना चाहिए, ठीक है, किस तरह का फिल्टर उसमें लगना चाहिए, कितना लाइट एक्सपोजर होना चाहिए, कितना उसमें शार्पनेस होना चाहिए, वो बराबर से एडिट कर देता है। और उसको एज पर द पिक्चर उसके बैकग्राउंड म्यूजिक क्या होना चाहिए, वो बैकग्राउंड म्यूजिक भी सजेशन दे देता है, ठीक है। तो अभी ये जो एप्लीकेशन मैंने बनाई है, मेरे लैपटॉप पे वो एप्लीकेशन चल रही है, वो एप्लीकेशन मैंने लिया, ठीक है, एप्लीकेशन हमने लिया, ठीक है, यहाँ से एप्लीकेशन मैंने बनाया, ठीक है, हमारे कोडिंग टीम ने बनाया, एप्लीकेशन चल गया, अपने इसमें देखा, अपने कंप्यूटर्स पे देखा चल रहा है, टेस्टिंग टीम ने क्या किया, डिप्लॉयमेंट को दे दिया, डिप्लॉयमेंट टीम को दे दिया, डिप्लॉयमेंट टीम ने देखा चल रहा है, उन्होंने क्या किया, थोड़े दिन मॉनिटर किया उसको, उसके बाद क्लाइंट को दे दिया, ठीक है, ऑप्स ऑप्स टीम को दे दिया, ऑपरेशंस को दे दिया, यस, ठीक है, यानी मैनेजर्स को बोल दिया कि हाँ ये प्रोडक्ट बन गया, ऑप्स टीम ने क्लाइंट को डिलीवरी कर दिया, ठीक है, डिलीवरी बाय हैंड कर दिया या इंस्टॉल कर दिया, दोनों में से कुछ एक भी। अभी क्लाइंट का फर्स्ट डे से कंप्लेन स्टार्ट हो गया कि भाई एप्लीकेशन नहीं चल रहा, एप्लीकेशन नहीं चल रहा, एप्लीकेशन नहीं चल रहा। तो हमने क्या किया, हमने वापस वो एप्लीकेशन मंगवाई, ठीक है, हमने वापस से मॉनिटर किया उसको, चल रहा है, टेस्टिंग टीम ने टेस्ट किया, चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो टेस्टिंग टीम क्या करेगा, ठीक है, कोडिंग टीम को बोलेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, चल तो रहा है ना, क्यों ऐसा क्लाइंट क्यों बोल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। कोडिंग टीम भी देखेगा हाँ चल तो रहा है, फिर ये ऑप्स के पास जाएंगे, बोलेंगे चल रहा है ऐप, ऑप्स क्लाइंट के पास जाएगा, बोलेगा अरे नहीं चल रहा है, ठीक है, कुछ तो इशू है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है कि देखो मेरे लैपटॉप पे ये एप्लीकेशन चल रहा था, ठीक है, अब मेरे लैपटॉप में क्या क्या है, ठीक है, कंट्रोल पैनल पे अगर जाओगे वहां पे जो भी प्रोग्राम्स दिखते हैं, जो भी एप्लीकेशंस दिखते हैं वो इंस्टॉल्ड है, प्लस या विंडोज सी ड्राइव में जाओगे, सी ड्राइव में जो यूजर्स फाइल्स है, ठीक है, सी ड्राइव में जो प्रोग्राम फाइल्स है उसके अंदर जितना जो भी इंस्टॉल्ड है वो सारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है उसके अंदर, सपोर्टिंग एप्लीकेशंस। देखो यहाँ पे दिस पीसी, ठीक है, दिस पीसी में विंडोज, ठीक है, सी ड्राइव के अंदर, अब ये देखो प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, इतने सारे प्रोग्राम फाइल्स है, ठीक है, देख लो, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम फाइल्स है इसके अंदर, ठीक है, इतने सारे पैकेजेस है, ये सब कुछ इंस्टॉल्ड है। तो इसमें से कुछ ना कुछ है जो जो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये सारे एनवायरनमेंट का पूरे का पूरा एनवायरनमेंट जो है, ये जो मेरा लैपटॉप है ये एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में वो एप्लीकेशन चल रही है, क्लाइंट के एनवायरनमेंट में नहीं चल रही है। तो हम क्या करेंगे, हम क्लाइंट के लैपटॉप पे जाके कुछ भी इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम हमारे जो ये एनवायरनमेंट का है ना इसका एक कॉपी बनाएंगे, ठीक है, यानी डेवऑप्स इंजीनियर क्या करता है, इस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट का एक कॉपी बना रहा है, ठीक है। उस कॉपी को बनाने के लिए वो एक टूल यूज करता है, उस टूल को कहते हैं डॉकर, ठीक है, जैसे अमेज़न मशीन इमेज बनाते हैं हम, वैसे ही वो डॉकर इमेज बनाता है। तो हम देखो डॉकर पे, इस वेबसाइट पे जाएंगे, आज का लेक्चर स्टार्ट टू एंड एवरीथिंग इज इंटरव्यू क्वेश्चंस, ओके, टुडेज लेक्चर 14 मार्च, ओके, एवरीथिंग इज इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है।
डोंट मिस एनीथिंग, पे अटेंशन, ओके? ठीक है, नाउ वी आर डॉकर्स वेबसाइट. इसका देखो, इसका लोगो क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, ओके? फाइंड, यूज एंड शेयर कंटेनर्स फ्रॉम एवरीवेयर. तो जैसे अमेजोन मशीन इमेज बनती है ना, वैसे डॉकर का कंटेनर बनता है. तो अगर आप डॉकर का लोगो देखोगे, यहाँ पे कंटेनर्स है, ठीक है? अच्छा, मैंने साइन इन नहीं किया है इसलिए ये दिखा नहीं रहा है. तो यहाँ पे ना बहुत सारे कंटेनर्स है, ठीक है? एंड दोस कंटेनर्स, वेट, अपन इमेजेस देख लेंगे, है ना? तो वहां पे दिख जाएगा जो मुझे दिखाना है. तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये देखो, डॉकर कंटेनर इमेज इज अ लाइट वेट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल पैकेज, ठीक है? डॉकर कंटेनर इमेज ऐसा एक छोटा सा कंप्रेस्ड एक पैकेज रहता है, एक सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है, जो जिसके अंदर सारे एडिशनल फाइल्स है जो एक फाइल को चलाने, एक सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको लगेंगे. तो वो डॉकर कंटेनर मैं बना के दूंगा. हाँ देखो, डॉकर कंटेनर वेबसाइट, वेबसाइट पे ऐसा नहीं रहता है, ऐसा नहीं रहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं रहता है, ऐसा नहीं रहता है, नहीं ऐसा नहीं रहता है. मुझे साइन इन करके आपको दिखाना पड़ेगा. तो डॉकर देखो, एक तो अमेजोन मशीन इमेज हम बना सकते हैं, ठीक है, और एक ऑलरेडी अमेजोन मशीन इमेजेस होते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पे बता रहा है कैसे बनाने का. तो वैसे ही डॉकर पे हम जाएंगे ना, वहां पे ऑलरेडी कुछ इमेज, ठीक है, कुछ डॉकर है ऑलरेडी, लिनक्स का है, उबंटू का है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का है. जैसे अपने को यहाँ पे ऑलरेडी है ना, यहाँ पे EC2 instances में ऑलरेडी है ना अपने को, अपने AWS console के अंदर इन द सेम वे, ठीक है? तो डॉकर का लोगो है एक ship और उसके ऊपर कंटेनर्स, क्योंकि डॉकर कंटेनर्स बनते हैं. ऐसे ही Kubernetes का देखो, ये Kubernetes है और इसका लोगो देखो क्या है, इसका लोगो ये ship का जो स्टेयरिंग व्हील रहता है ना वो, यानी ship का स्टेयरिंग व्हील इसका लोगो है, यानी कि Kubernetes से हम डॉकर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? Kubernetes से हम डॉकर कंट्रोल कर सकते हैं. आई हैव टू जूम आउट ऑफ दिस. सो विद डॉकर वी कैन मेक इमेजेस, उस इमेजेस का कंटेनर बनाते हैं हम. ये देखो डॉकर कंटेनर, ऐसा कंटेनर बनता है. और Kubernetes का सिंबल अगर आप देखोगे, Kubernetes से हम डॉकर कंट्रोल करते हैं, यानी एक साथ, ये Kubernetes का सिंबल है, यानी इससे हम एक साथ मल्टीपल कंटेनर्स, मल्टीपल डॉकर को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो दैट इज नोन एज कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी या फिर क्लस्टराइजेशन, कंटेनर्स का क्लस्टर यानी ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ इमेजेस हम ये करते हैं. तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में, ठीक है, क्लाइंट क्या बोल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो हम डॉकर इमेज बनाएंगे, ठीक है? वो डॉकर इमेज क्या करेंगे, हम टेस्टिंग टीम के लैपटॉप का बना लेंगे, हम लैपटॉप का बना लेंगे क्लस्टर, सॉरी कंटेनर, और हम कोडिंग टीम के एनवायरनमेंट का एक कंटेनर बना लेंगे. तीन कंटेनर्स हो गए, वो तीनों कंटेनर्स को हम Kubernetes से मैनेज करेंगे, लिंकअप करेंगे, क्लस्टर बनाएंगे, उसका ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप को हम जब हम वापस से, ठीक है, जब उसने बोला कि नहीं चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि नहीं चल रहा है एप्लीकेशन, तो वापस से हमने जब वो एप्लीकेशन के साथ हम जो नया जो हमारे कंटेनर्स है उस कंटेनर्स को कंपाइल करके हम वापस से रीडिलीवरी कर देंगे अपने क्लाइंट को, ठीक है? तो दिस इज द कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटीन्यूअस डिलीवरी. इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटीन्यूअस डिलीवरी में क्या होगा, यहां क्या किया था हमने, ठीक है, जब पैचिंग करना था ठीक है, जब सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना था, तब हमने वाटरफॉल टेक्नोलॉजी यूज किया, वॉटरफॉल मेथड यूज किया, यानी हमने वेट किया कि जब क्लाइंट अपने मशीन्स बंद करेंगे तब हम नया इंस्टॉल करेंगे. बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे डेवऑप्स इंजीनियर क्या करेगा, जैसे जैसे
यानी कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली कोडिंग टीम कोड लिखते जा रहा है, ठीक है। आज जैसे हमने गिट का कल एग्जांपल लिया था, वरुण ने मुंबई से काम किया, वरुण ने गिट में पुश कर दिया, उसके बाद कोहिन आया, कोहिन ने कनाडा से लॉग इन किया, टोक्यो से लॉग इन किया था, सॉरी अपने एग्जाम्पल में गिट में, तो टोक्यो से लॉग इन किया, उसने सेकेंड कोड लिखा, एक थर्ड डेवऑप्स इंजीनियर बैठा है, ये तो कोडिंग टीम है, ठीक है, डेवऑप्स इंजीनियर बैठा है, वो क्या कर रहा है, वरुण का कोड पुल किया, कोहिन का कोड पुल किया, ठीक है, मुंबई से गिट से बेसिकली पुल कर रहा है, पुल करके कोड बिल्ड कर रहा है, यानी मेवन जेंकिंस में डाल रहा है। जेंकिंस नाम का एक सेंट्रल टूल होता है, वो इन सबको कनेक्ट होता है, गिट को, सेलेनियम को, सबको सेंट्रली कनेक्ट होता है, यहाँ पे सेंटर में बैठता है जेंकिंस, यहाँ कहीं लिखा होगा जेंकिंस क्या है, ये इसको हम कॉन्फिगर करते हैं कि वो गिट से ऑटोमेटिकली कोड पुल करे, ठीक है, तो गिट से कोड पुल करता है, पुल करके यहाँ पे मेवन ने डॉकर में पुश करता है, बिल्ड हो जाता है कोड, एप्लीकेशन बन जाती है, फिर वहीं पे सेलेनियम कनेक्टेड होता है, जे यूनिट कनेक्ट होता है, टेस्टिंग करते रहते हैं, तो ये कॉन्स्टेंट और चलते रहता है, जैसे ये हुआ उसके आगे यहाँ पे डिप्लॉय हो जाता है, डिप्लॉय होने के बाद उसका अगर हमको चाहिए कि सर्वर का साइज कुछ चेंज वेंज करना है, तो हम एंसिबल यूज करके कर सकते हैं, एंसिबल शेफ पपेट क्यूबरनेटिस से कर सकते हैं, ठीक है, वो डॉकर नया डॉकर डिप्लॉय कर सकते हैं, और मॉनिटरिंग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर होते रहता है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली चलते रहता है, इस पूरे ये जब भी ये हो रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंट अपग्रेड हो रहा है एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम यहाँ पे क्लाइंट सिस्टम पे वो एप्लीकेशन इज रनिंग, ठीक है, दैट एप्लीकेशन इज रनिंग, और एट द सेम टाइम डिलीवरी is happening, मतलब ये सब चल रहा है, नया कोड आया, पैचिंग चल रहा है, पैचिंग चलते चले यहाँ पे मॉनिटर भी हो रहा है, और मॉनिटर होते होते जो नया अपग्रेड है वो नया अपग्रेड का डिलीवरी भी हो रहा है, यानी नया अपग्रेड का उसके साथ लगने वाले नए डॉकर फाइल्स का, ठीक है, डॉकर कंटेनर्स का नए वाले, और उन डॉकर कंटेनर्स का क्लस्टर यानी ग्रुप का डिलीवरी क्यूबरनेटिस के थ्रू, ठीक है, ये सब कुछ जेंकिंस, सब में कुछ सारे टूल्स जेंकिंस से इंटीग्रेटेड है, और ये डिलीवरी भी कांस्टेंट हो रहा है, यानी डिलीवरी भी हो गया, नया कोड इंस्टॉल भी हो गया, अपडेट भी हो गया, और एप्लीकेशन चल रही थी, एप्लीकेशन भी कस्टमर एनवायरनमेंट में बंद नहीं हुआ, अगर बंद नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, अगर बंद नहीं हुआ तो मतलब नो सर्वर क्रैश मींस नो डाउन टाइम, डाउन टाइम नहीं आया, मतलब समझो SBI की एप्लीकेशन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, नहीं स्टेट बैंक का नहीं करेंगे अपन, कंसीडर करेंगे मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन है, अब मेक माई ट्रिप पे कस्टमर्स को करनी है फ्लाइट बुकिंग, अभी अगर ये पुराना टेक्नोलॉजी पे आ जाओ, मेक माई ट्रिप वेबसाइट ऐसा है कि 24/7 रनिंग चाहिए, एप्लीकेशन के लिए, फ्लाइट ट्रैकिंग के लिए, ठीक है, टिकटिंग के लिए, टिकट कैंसिलेशन के लिए, है ना, ठीक है, और टिकट बुक होने के बाद मैनेजमेंट के लिए, क्यों नहीं, मेरे को विंडो सीट नहीं चाहिए, मेरे को बीच का सीट चाहिए, विंडो सीट पे मेरे को उल्टी आता है, मेरे को प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कुछ भी मेरे को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, मुझे पीछे नहीं बैठना है, मुझे आगे बैठना है, बस का बुकिंग है, मुझे पीछे का सीट नहीं चाहिए, मुझे ड्राइवर के पीछे सीट चाहिए, पीछे से बहुत उड़ता है बस, ठीक है, तो एनीथिंग, होटल, मेक माई ट्रिप से होटल बुक किया है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को AC वाला रूम चाहिए, मुझे विदाउट AC का नहीं चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा बेड भी चाहिए, तो ये सारे वेबसाइट्स मेंटेनेंस बुकिंग कैंसिलेशन ये सारे 24/7 चालू होने चाहिए, पर अगर आप यहाँ वाटरफॉल मेथड लगाओगे, आप 4 घंटा अपग्रेड कर रहे हो हर एक नए अपडेट पे, जैसा ही नया अपडेट आ रहा है, नया बग फिक्स आ रहा है, बग मतलब एरर, ठीक है, नया एरर का हम फिक्स निकाल रहे हैं, हमारी कोडिंग टीम फिक्स निकाल रही है, और आप 4-4 घंटे रोज एप्लीकेशन बंद कर रहे हो, तो उधर तो सर्वर डाउन है ना, सर्वर डाउन हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है, CI/CD हो रहा है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन मतलब जैसे जैसे नया कोड आ रहा है, वो नए कोड को हम लोग AWS DevOps इंजीनियर हम क्या कर रहे, ये सारे टूल्स यूज करके, ये थर्ड AWS के नहीं है, थर्ड पार्टी टूल्स यूज करके हम उनका, हम नए अपडेट्स का कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन मतलब कंटिन्यूसली पुल द कोड, बिल्ड द कोड, टेस्ट द कोड, डिप्लॉय द कोड एंड मैनेज द कोड, कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट एंड मॉनिटर द कोड, ये है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, उसके बाद जो ये डिप्लॉय है, ठीक है, जो डिप्लॉय वाला स्टेज है, ये डिप्लॉय वाला स्टेज यानी कोड डिप्लॉय टू
क्लाइंट एनवायरमेंट यानी डिलीवर टू क्लाइंट एनवायरमेंट, ये हम नीचे खींच लेंगे यहाँ पे, ठीक है। डिप्लॉयमेंट, तो जब हम डिप्लॉय करेंगे यानी क्लाइंट को डिलीवर करेंगे, वो भी कंटिन्यूअसली हो रहा है, नया अपडेट आ रहा है, कंटिन्यूअसली डिलीवर हो रहा है क्लाइंट को, कंटिन्यूअसली क्लाइंट के सिस्टम पे इंस्टॉल हो रहा है। तो दिस एंटायर सिस्टम इज नोन एज कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। जितने स्टेजेस होते हैं वो कंटिन्यूअसली करना विदाउट स्विचिंग ऑफ द क्लाइंट एनवायरमेंट, दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी।